उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत ही अपना बड़ा महत्व रखता है। 340 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया था और उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था। इस एक्सप्रेसवे का लाभ गरीब को भी होगा और मध्यम वर्ग को भी। किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविधा होगी। इसका लाभ श्रमिक को भी होगा और उद्यमी को भी हो, यानी दलित, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। निश्चित रूप से पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के लिए यह एक्सप्रेसवे एक जीवनदायिनी का काम कर रहा है, विकास को एक नई गति दे रहा है, रफ्तार को यहाँ एक नई गति मिली है। जहाँ 4 घंटे का रास्ता है वहाँ 2 घंटे में तय हो जा रहा है, समय की बचत हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, जो ट्रैफिकें रहती हैं, आदमी जाता है, एक्सीडेंट उस पर ज़्यादा होता है। ठीक है, आदमी अपने अपनी जो है थोड़ा बहुत लापरवाही बरते तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन कायदे से चलने के लिए तो है। आप सीधे मुख्यालय पहुँच जा रहे हैं 2 घंटे में। हाईवे वो माध्यम है जिससे हम अब देखिए ना, हमें अगर आना तो मैं सुबह आकर के शाम को जा सकता हूँ। ठीक है, वैसे बिजनेसमैन हो गया, वैसे कृषि हो गया, वैसे और यहाँ पे फैक्ट्री खुलेंगे तो उनको कन्वेंस मिलेगा, तो सबके लिए फायदेमंद है। ट्रैफिक भी नहीं है, सबसे मेन ट्रैफिक है, उधर से आने में बड़ा समय लग जाता था, इधर से समय बहुत बचता है। इतना ज़्यादा विकास का बताइए कि हम लोग, हम तो अध्यक्ष हैं सर कुमारगंज यहाँ के, जान लीजिए हमको 1.5 घंटा इससे लग रहा है सर, और हम लोग अब जो है अपने घर से अप डाउन कर पा रहे हैं। जान लीजिए जहाँ 4 घंटे लगता था वहाँ मान चलिए 1.5 घंटे हम लोग अपने नौकरी पर जा रहे हैं सर। यहाँ के किसानों को इससे बड़ा फायदा मिल रहा है, स्थानीय व्यवसायियों को, उद्योग जगत के लोगों को, और तमाम जो संभावनाएँ यहाँ थी उनको नए पंख मिले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए जो कई घंटों में यात्रा होती थी, अब चंद घंटों में ही यात्रा पूरी हो जाती है। सुविधाओं को लेकर जैसे बोला जाए तो काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि 23 एम्बुलेंस हैं, 22-24 पेट्रोलिंग हैं, यूपीडा गश्ती दल हैं, और 8 से 10 पेट्रोल टैंक हैं विद CNG, और खान पान की व्यवस्थाएं बीच बीच में हैं हर 100 किलोमीटर के अंतर्गत। और 340 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट पे गाड़ियों का कम समय, लो मेंटेनेंस में, कम फ्यूल में उनका आवागमन बहुत अच्छे से होता है। लोगों का आवागमन हो या उत्पाद लाने ले जाने की बात हो, हर क्षेत्र में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लोगों के विकास में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। और आने वाले समय में जो पूर्वांचल आगे निखर रहा है, उभर रहा है, जिसकी पहचान पिछड़े जनपदों में, पूर्वांचल के जनपदों की होती थी, अब वहाँ भी तमाम सारी संभावनाएँ दिखने लगी हैं। और आने वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के विकास में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उतना ही महत्व होगा। कैमरामैन राजीव वाजपेयी के साथ विकास सिंह, DD News, लखनऊ।